हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की मनपसंद जेली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए आप, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी जेली हमारी बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से हम इस जेली की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जेली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, जिस बर्तन में हम बनाने वाले हैं मैंने वही बर्तन लिया हुआ है। आप चाहें तो किसी वोल वगैरह में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही बर्तन में इसे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें डाल दिया है हमने 1.5 कप पानी, यानी कि टोटल हमारा 500 ml पानी इसमें चला गया है। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है ये इस तरह का, मार्केट में आपको पैकेट बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस पर लिखा हुआ है फ्री मोल्ड इनसाइड, यानी कि इसके साथ में एक मोल्ड भी फ्री मिलता है, वो इस पैकिंग के अंदर ही होता है। तो मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो इस पूरे पैकेट को खोलकर हमें पानी के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि पानी के अंदर हमें इसे डालना है। पूरे पैकेट को हम डाल देंगे और साथ ही इस पैकेट के अंदर ना एक शैशे निकलता है, वो शुगर का होता है, उसके अंदर शुगर होती है, तो उसको भी हमें इसमें मिक्स करके उसके बाद हमें इसमें डालना है। तो वो पैकेट जो था वो मैंने पैकेट के अंदर पहले मिक्स कर लिया था, उसके बाद जेली के पाउडर को हमने पानी में डाल दिया है। पानी में डालने तक 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, सिर्फ अच्छे से 1-2 उबाल आएंगे, इसे ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये जेली ऐसे ही सेट हो जाती है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मोल्ड होता है ना, वो इस तरह का होता है, तो इस मोल्ड में हम इसे फिल कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन हमारी जो जेली है वो ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया है ये बच्चों को स्कूल ले जाने वाला जो टिफ़िन होता है ना, वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई और बर्तन जिसमें भी आप इसे फिल करना चाहते हो, जिसमें भी आप इसे सेट करना चाहते हो, वो बर्तन आप ले लें और उसमें हम डाल देंगे बचे हुए जेली के मिक्सचर को। या फिर आप चाहें तो किसी कटोरी में, कप में या ग्लास में, किसी में भी आप डालकर इसको सेट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो अब हम इसे रख देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर टोटल मैंने 50 मिनट इसको जो है वो रेस्ट करने के लिए रख दिया था, यानी कि 30 से 35 मिनट हमने यहाँ रखा था रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद मैंने इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रीज में। टोटल 50 मिनट के लिए हमने इसे रखा है रेस्ट पर। तो यहाँ हमारी जेली जो है वो जमकर एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और इसे हम इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फालूदा बना रहे हैं या फिर आप किसी रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे किसी शरबत में डालना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से कट करके इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये कट हो जाती है और बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जेली जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए, आप हमने जो मोल्ड के अंदर डालकर रखी थी ना, चलिए उसको देख लो। फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए, जो हमने मोल्ड में डालकर रखी थी ना, वो जेली भी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देखिए। इस तरीके से आप चेक करके इसे देख सकते हैं। और चलिए अब हम इसे भी डीमोल्ड कर देते हैं। तो हल्के से हमें इसे नाइफ़ की मदद से इस तरह से एक बार घुमा लेना है, इससे क्या होगा, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो अब हमें जिस बर्तन में से निकालना है उसमें हम हल्के से प्रेस करेंगे और हमारी जेली जो है वो बाहर निकल जाएगी, ये देखिए। बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया सी जेली हमारी बनकर तैयार हुई है। आप बच्चों को इसे बनाकर खिलाइए, उनको तो भाई दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। और बाहर की जो जेली है वो तो खाना भूल ही जाएंगे, आपसे बार बार इसे घर में ही बनवाएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को बनाकर खिलाइए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो मिक्सचर हमारा बच गया था ना, उसको मैंने एक कटोरी में डालकर रख दिया था, तो वो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया। तो चलिए इसे भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हमें नाइफ से हल्का सा इसको छुड़ा लेना है साइड से, और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कटोरी वाली जेली थी ना, वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है। और आप देख सकते हैं, है ना, लग रही है ना, बहुत ही लाजवाब दिखने में ही, कितना प्यारा सा कलर आया है इसमें, और बहुत ही बढ़िया से हमारी जेली सेट हो चुकी है। तो आप इसे किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं, ये हर बर्तन में सेट हो जाती है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, सिल्वर का हो, या फिर सिलिकॉन का हो, जिसमें भी आप चाहें ना उसमें इसे सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, है ना, ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से जम गई है, बहुत ही बढ़िया से हमारी जेली बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बना करके बच्चों को खिलाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़, हमें दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।